इसराइल और हमास की जंग में अब सबकी निगाहें उत्तरी गाजा पर आकर टिकी हुई है। यकीन करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन दावा इस बात का किया जा रहा है कि इसराइल उत्तरी गाजा में लगातार 100 घंटे तक भयानक हवाई हमले करने वाला है। इधर हमास ने भी इसराइली सेना से निपटने के लिए नई तैयारी शुरू कर दी है और इस युद्ध में अब इसराइल और हमास के अलावा 5 और देशों के शामिल होने का भी खतरा बढ़ते चला जा रहा है। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्ला अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3,000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी, क्योंकि लेबनन का आतंकी संगठन हिजबुल्ला कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इसराइल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्ला के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इसराइल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तरी इसराइल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनन में बैठा हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ने इसराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना, हम इसराइल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्ला इसराइल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इसराइल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम खा ली है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इसराइल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2,000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के 4,000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इसराइल के प्रचंड हमलों का सामना करें। उत्तरी गाजा से भागे 11 लाख सुरंग में घुसा हमास। इसराइल की भयंकर बमबारी की वजह से गाजा से 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू जैसे ही उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दिया, उसके बाद उत्तरी गाजा से 11 लाख गाजा निवासी बुरी तरह से दहशत में हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोई गधों और खच्चरों वाली गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रक, बस और कारों से भाग रहा है। उत्तरी गाजा के लोगों को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने घरों में रखा कीमती सामान साथ ले जा सके। 2 जोड़ी कपड़ों के साथ उत्तरी गाजा की 11 लाख आबादी मौत के डर से भाग रही है। 24 घंटे पहले से ही उत्तरी गाजा तेजी से खाली हो रहा है।
תוקפים בעזה קשה מאוד. כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות, תוקפים, צהל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. यूएन ने साफ चेतावनी दी है कि इसराइल का आदेश उत्तरी गाजा में मौत का सैलाब ला रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भाग रहे फिलिस्तीनियों के पास सिर्फ एक हाईवे है, जिस पर हजारों वाहनों में लाखों फिलिस्तीनी भागने को मजबूर हो गए हैं। हमास के लड़ाके उन्हें लाख रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसराइली सेना के हमलों का ऐसा खौफ है कि गाजा के लोग हमास के कमांडर और लड़ाकों का आदेश नहीं मान रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और एक के बाद एक अपने दुश्मन को निशाना बनाकर टारगेट पर लिया जा रहा है। लेबनान पर हमले का ये एक नया वीडियो सामने आया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे जबरदस्त विस्फोट होता हुआ इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। एक तरफ इसराइल ने पूरी तरीके से कसम खा ली है गाजा को कैसे तबाह कर देना है, नामो निशान मिटा देना है, दूसरी तरफ लेबनान पर भी जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी अब इसराइल पर हमले किए हैं और लेबनान और इसराइल सीमा क्षेत्र में चटूला में यह हमला किया गया है। इस हमले में एक आदमी की मौत की खबर सामने आई है, जबकि तीन लोग जख्मी भी हो गए हैं। शनिवार को भी हिजबुल्ला ने कई हमले किए और इस हमले का हिजबुल्ला ने वीडियो भी जारी किया है। और वीडियो में ये दिख रहा है कि इसराइल की तरफ से मिसाइल और मोर्टार कैसे दागे गए हैं। हमले की ये तस्वीर जारी की गई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब निशाना बनाकर ये हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने गाजा पर अटैक की तैयारी पूरी कर ली है। हमास के हमले के जवाबी कार्रवाई के बाद इसराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर के हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी कर दिया है। इसराइल ने हमास के खिलाफ हर तरफ से इस वक्त मोर्चा खोल दिया है। इसराइल और गाजा के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में टैंकों को भी देखा जा सकता है। इजरायली वॉर फ्रंट से न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता नीरज लगातार वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इजरायली सेना की तैयारियों का उन्होंने खुद जायजा लिया। देखिए किस तरह से हमारे सहयोगी करम सिंह के कैमरे में कैद हुई है वो तमाम तस्वीरें। हमास के खिलाफ इसराइल की लड़ाई लगातार जारी है। युद्ध की घोषणा तो इसराइल पहले ही कर चुका है, लेकिन इस वक्त हम लोग बॉर्डर पे मौजूद है, गाजा और इसराइल के बॉर्डर पे। एक तरफ से इसराइल तोप से गोले दाग रहा है तो दूसरी तरफ तैयारी भी कर रहा है। ये टैंक आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ से तोप से गोले दागे जा रहे हैं, गाजा में स्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ से टैंक का मूवमेंट हम लोग को दिख रहा है, टैंक लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। और ये जो रोलिंग व्हील होते हैं, जिस पर ये टैंक बड़े बड़े टैंक चलते हैं, इसी के आधार पे उनको मूव कराया जा रहा है इसराइल की सेना की सुरक्षा में। और ये टैंक के अंदर सोल्जर होते हैं, और टैंक लाने का मकसद है, ये कहते हैं कि अगर आपने टैंक लाया इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो फ्रंट लाइन वॉर की है, आपके एनिमी देश की सीमा में घुसने की। खुद नेतन्याहू ने कहा कि अभी यह शुरुआत है, रेड किया गया है। और न सिर्फ यही मूवमेंट है, टैंक का मूवमेंट आपको दिख रहा है, करम आपको दिखाएंगे। इधर देखिए, तमाम आर्मी की सुरक्षा गाड़ियों के बीच में, आर्मी के जवानों के बीच में दूसरे तो भी जो गोले दागते हैं, ये देखिए, ये एक बड़ी गाड़ी में ये सब मूवमेंट हो रहा है। टैंक लाने का मकसद होता है कि एनिमी देश की सीमा में घुसने की तैयारी है, इससे आप सीमा से अपने दुश्मनों पर हमला करेंगे। सोल्जर इसके साथ जाते हैं ताकि पहले दुश्मन के सोल्जर को मारे, और फिर इसमें गोले भी छोड़े जा सकते हैं। लेकिन कम दूरी के एंटी मिसाइल सिस्टम भी बहुत टैंक में होता है। जज्बा दिख रहा है इसराइल के सोल्जर का। हम लगातार इस तरह से दुश्मन के घर में घुसने की तैयारी है।